नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि अपना जो बकरी होता है वह कभी कभी लंगड़ाने लगती है, लंग देने लगती है, जिसके वजह से, दर्द होने के वजह से वह जो है सही ढंग से न खाना खाती है, न सही ढंग से जुगाली कर पाती है, और दिन पर दिन वह जो है दुर्लभ और कमज़ोर हो जाती है। तो आज हम दवा बताएंगे कि अगर जो बकरी लंग देने लगती है, लंगड़ाने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है तो उसको कौन सा इंजेक्शन देना है। अगर आप इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं तो लास्ट में हम वह बोलस भी बताएंगे, टैबलेट भी बताएंगे, जो देकर के आप अपने बकरी का जो दर्द है, पैर का लंगड़ाने वाला परेशानी है, वह कंप्लीट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तब चलिए साथियों, अब बताते हैं कि अगर बकरी को पैर में दर्द है, वह लंगड़ा रही है, तो उसको कौन कौन सा दवा देना है। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम कोई भी वीडियो डालूं, चाहे वह बकरी संबंधित हो या पशु संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए साथियों, बताते हैं कि अगर बकरी के पैर में दर्द हो जाए तो पहला इंजेक्शन कौन सा देना है। तो जो पहला इंजेक्शन है वह जो इंटास कंपनी का टोनोफेनिक एसिड कंपोजिशन का मैक्सटोल एक्सपी इंजेक्शन आता है, यह इंजेक्शन देना है। तो पहला जो इंजेक्शन है मैक्सटोल एक्सपी इंटास कंपनी का, इसका जो साल्ट है, कंपोजिशन है टोनोफेनिक एसिड, तो यह इंजेक्शन सबसे पहले दे देना है। अब देना कितना है वह हम बता देते हैं। अगर 20 केजी का बकरी है तो उसको यह जो मैक्सटोल एक्सपी इंजेक्शन है 5 ml लेना है। अगर 25 केजी के करीब है फिर भी आपको 5 ml ही देना है। और छोटा बकरी है, 10 से 15 केजी का करीब है, तो उसको 3 ml देना है। अगर उससे भी छोट है, 7 से 8 केजी के करीब है, तो उसको जो है 2 से 2.5 ml लेना है। किसान भाइयों, यह जो इंजेक्शन है मांस में लगाना है, आप नस और मांस में भी लगा सकते हैं, लेकिन बकरी को नस में देने में थोड़ा परेशानी होगा, इसीलिए आप उसको यह इंजेक्शन मांस में ही लगा दीजिए। उसके बाद जो दूसरा इंजेक्शन है वह इंजेक्शन आपको MSD कंपनी का टोनोफर्स नाम से आता है। यह जो टोनोफर्स है यह MSD कंपनी का है, इसका जो साल्ट है, कंपोजिशन है फास्फोरस का, जो यह इंजेक्शन है, तो यह जो फास्फोरस का इंजेक्शन है, अगर बकरी 25 से 30 के, उसको यह इंजेक्शन फास्फोरस का 5 ml लेना है। अगर छोटा बकरी है, 10 से 15 केजी के करीब है, तो उसको 2.5 से 3 ml लेना है। उससे भी छोटा है, 5 से 6 केजी के करीब है, तो उसको 1 से 1.5 ml लेना है। किसान भाइयों, यह दोनों इंजेक्शन देने के बाद आपको उसको बकरी को एक एविल भी लगा देना है। जैसे कि एविल में एक इंजेक्शन आता है पनेसिया कंपनी का पैनाभिन नाम से, जो कि इस तरह से रहेगा, जो जो दवा हम अभी बता रहे हैं उसका साइड में फ़ोटो खींच करके बता दिए, ताकि आपको मार्केट से ख़रीदने में किसी तरह का परेशानी नहीं हो। तो उस वह बकरी जिसको आप जो मैक्सटोल एक्सपी और टोनोफोस दिए हैं उसको आप एक एविल भी लगा दीजिए। जैसे कि यह पनेसिया कंपनी का पैना भी नाम से आता है। अगर बड़ा बकरी है, 25 से 30 केजी के करीब है, तो उसको 5 ml दे सकते हैं। अगर छोटा है, 10 से 15 केजी के करीब है, तो 2 से 2.5 ml। उससे भी छोटा है, 5 से 6 केजी के करीब है, तो 1 से 1.5 ml लेना है। किसान भाइयों, यह जो हम तीनों इंजेक्शन दिए बताए हैं, अगर आप अपने बकरी को देते हैं तो वह किसी भी तरह से अगर लंगड़ा रही है, चाहे वह चोट लग गया है उसके वजह से लंग दे रही है, या फिर किसी और वजह से लंग दे रही है, लंगड़ा रही है, वह भी ठीक हो जाएगी यही तीनों इंजेक्शन से। चलिए एक बार डबल में आपको बताते हैं। एक बार मैं यह जो पहला नंबर इंजेक्शन बताए हैं, फर्स्ट नंबर मैक्सटोल XP जो कि इंटास कंपनी का है, दूसरा नंबर में बताया है टोनोफॉस जो कि MSD कंपनी का है, तीसरा नंबर में जो एविल बताए हैं पैनाविल,
जो कि पनेसिया कंपनी का है। साथियों, अगर यह तीनों इंजेक्शन आप नहीं दे सकते हैं तो आप उसको बोलस भी किया करके, जैसे कि टैबलेट एक आता है निमोसलाइट ग्रुप का, नाइस नाम से, निसिप नाम से, तो यह जो टैबलेट है यह टैबलेट भी खिला करके अपने बकरी को, वह पैर दर्द है वह ठीक कर सकते हैं। लेकिन साथियों, होता क्या है कि यह जो इंजेक्शन है यह इंजेक्शन बहुत जल्दी काम करता है, आपके बकरी को दर्द जो है 20 से 25 30 मिनट के अंदर में ठीक कर देगी। लेकिन वह जो टैबलेट है जैसे कि निसिफ हो गया या फिर आप डेलोना नाम का बोलस आता है वह भी दे सकते हैं, साथ साथ उसमें आप एक एंटीबायोटिक भी दे दीजिए जिसका जो साल्ट होगा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो वह निमोसलाइट कंपोजिशन का बोलस ले लेना है और वह जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कंपोजिशन का टैबलेट है वह दोनों टैबलेट ले लेना है। अगर 12 बकरी है तो वह जो निमोसलाइट साल्ट का जो टैबलेट बताया है एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम देना है। अगर छोटा बकरी है 15 kg करीब है तो आधा टैबलेट सुबह और आधा टैबलेट शाम देना है, जो निमोसलाइट कंपोजिशन का जो निसिप नाम से दवा आता है वह, या फिर निमोसलाइट कंपोजिशन का किसी भी नाम से दवा आता है वह आप दे सकते हैं। साथ में आपको एक एंटीबायोटिक भी लेना है जैसे कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नाम से आता है वह। अगर 12 बकरी है 30 kg करीब है तो एक सुबह और एक शाम देना है। अगर उससे भी छोटा है 15 kg करीब है तो आधा बोला सुबह और आधा बोला शाम देना है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जिसमें हम आपको बताएं बकरी के पैर में दर्द दे रहे हैं, यह वीडियो आपको अच्छा लगा या खराब लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। नमस्कार।